I am Deep and today I am here to teach you science of class 4th. इस चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट। तो पिछले दो पार्ट में हम लोग मैटर के बारे में बहुत काफ़ी चीज पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, इंटरचेंज ऑफ स्टेट इन मैटर, मैटर के स्टेट के चेंज के बारे में। तो उसमें हम दो प्रोसेस जाने थे किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए। फर्स्ट था हीटिंग एंड सेकेंड था कूलिंग। यही दोनों प्रोसेस हम क्या कर रहे थे, मैटर के स्टेट को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर रहे थे। हीटिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, बॉयलिंग के बारे में पढ़े थे, किस चीज़ के बारे में पढ़े थे, बॉयलिंग के बारे में, एंड वेपोराइजेशन के बारे में, बॉयलिंग एंड वेपोराइजेशन के बारे में। फिर कूलिंग में हम लोग क्या पढ़े थे, मेल्टिंग, क्या पढ़े थे हम लोग, मेल्टिंग। उसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉयलिंग। अब बॉयलिंग को फिर से जानते हैं कि क्या होता है और कितना टेम्परेचर चाहिए किसी भी चीज़ को बॉयल करने के लिए। तो बॉयलिंग में क्या है, व्हेन अ लिक्विड बिकम्स अ गैस इट इज़ कॉल्ड बॉयलिंग और वेपोराइजेशन। जब कोई भी लिक्विड गैस में बदलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलिंग या फिर वेपोराइजेशन। द बॉयलिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब वाटर को बॉयल करने के लिए, मींस वाटर को गैस में चेंज करने के लिए, लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए कितने टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना चाहिए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई पूछेगा कि वाटर का बॉयलिंग पॉइंट क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। गॉट इट। अब यहाँ कुछ देखिए फिगर दिया गया है, मेल्ट, जब सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। लेकिन मान लीजिए कि आप हम बर्फ से हम बना लिए, आइस से हम वाटर को बना लिए, लेकिन हमको फिर वाटर से आइस बनाना है तो उसको क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, मिस इसको जमाएंगे, मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएंगे, फ्रीज करेंगे तो सॉलिड। फिर आगे क्या है, लिक्विड से हम बना दिए गैस, जब वाटर को आप बॉयल करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस, तो इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेट्स। लेकिन हमको गैस से फिर से बनाना है लिक्विड, तो इसको क्या करें, कंडेंसेस, क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पोर 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन इट। एक ग्लास पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक को डालेंगे और उसको क्या करना है, शेक करना है, ऐसे ऐसे उसको मिलाना है, पोर करना है उसको, ठीक। क्या बोले, 1 ग्लास पानी लेना है, उस पानी में 1 टीस्पून मीन्स 1 चम्मच नमक डालना है और उसको शेक करना है, मिला देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हो उसमें, क्या पाते हो, यू विल नोटिस डैट इट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर। तो आप देखते हो सॉल्ट मीन्स जो नमक है वो पानी में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। द सॉलिड्स विच गेट डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज सॉल्यूट्स। और जो सॉलिड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसे सॉल्यूट्स बोलते हैं। तो वाटर में हम यहाँ पे क्या डाले थे, सॉल्ट्स, और ये पानी में घुल जाता है तो सॉल्ट्स क्या हुए, सॉल्यूट्स। जो भी पानी में घुलेंगे उनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट्स। शुगर को डालेंगे वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो शुगर को भी बोलेंगे सॉल्यूट्स। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट्स का एग्जाम्पल कौन कौन है, सॉल्ट एंड शुगर। द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट गेट्स मिक्स्ड इन नोन एज द सॉल्वेंट। जिसमें हम सॉल्यूट को मिलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे नमक को, सॉल्ट को हम किस में मिलाते हैं, वाटर में, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसमें मिलेगा वो होगा सॉल्वेंट। द लिक्विड डैट गेट बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज द सॉल्यूशन।
और क्या सॉलिड सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल, एक ग्लास पानी लिए तो पानी हो गया सॉल्वेंट, उसमें डाल दिए चीनी तो क्या हो गया वो सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट मिल गया, सॉल्यूट मिल गया मतलब चीनी पानी मिल गया, तो उससे क्या तैयार हुआ, शरबत। तो शरबत क्या है, सॉल्यूशन। समझ में आया, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या है यहाँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके बना देते हैं सॉल्यूशन। व्हेन वी पुट सुगर इन मिल्क इट्स मॉलिक्यूलर स्प्रेड थ्रू आउट द मिल्क। जब हम लोग दूध में चीनी को मिलाते हैं तो वो पूरे दूध में क्या हो जाता है, फैल जाता है, दूध में पूरे फैल जाता है। दे ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मिल्क। वो क्या करते हैं, मिल्क मिस दूध के कणों के बीच में, हम क्या पढ़े थे जो भी सब्सटेंस है वो पार्टिकल का बना होता है, मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो दूध में हम जब चीनी को डालते हैं तो दूध के मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप होता है, छोटा छोटा गैप होता है, उसमें क्या होता है, चीनी घुल जाता है, उसके अंदर चला जाता है, उस गैप के अंदर चला जाता है। मिल्क के मॉलिक्यूल्स में जो गैप होता है, एम्प्टी जो खाली जगह होता है, उसमें क्या चला जाता है, शुगर चला जाता है। इट इज वाई शुगर सीम्स टू डिसअपीयर व्हेन इट इज पुट इन हॉट मिल्क। इसीलिए हम जब गर्म दूध में चीनी को डालते हैं और इसको सेक करते हैं, हिलाते हैं, तो कुछ समय बाद चीनी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वह गायब होकर कहाँ चला जाता है, मिल्क के मॉलिक्यूल्स के बीच में। If we compare the volume of the solvent and the volume of the solution remains almost as the solvent. जब हम दूध में चीनी को मिलाते हैं तो कभी देखो दूध और ज़्यादा ऊपर भर जाता है, ऊपर और चढ़ जाता है, नहीं नहीं, क्योंकि जो सॉल्यूशन उतना ही होता है जितना सॉल्वेंट होता है। मतलब चीनी को या फिर नमक को दूध या पानी में मिलाने से उसका मात्रा बढ़ता नहीं है। तो सॉल्यूशन का मात्रा किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के बराबर होगा। थोड़ा चीनी या थोड़ा नमक मिलाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, सॉल्यूशन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट एज द सॉल्वेंट बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ऐसा क्यों होता है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है, सॉल्यूशन उतना ही होता है जितना सॉल्वेंट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि शुगर मिल्क के मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाते हैं, इसीलिए। गैसेस इट मॉलिक्यूल्स फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मिल्क। गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन लिक्विड, गैसेस को भी, गैस को भी हम लिक्विड में डिजॉल्व कर सकते हैं, घुला सकते हैं, उसको मिला सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन और क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड घुले होते हैं, मिले होते हैं। मछली कहाँ पे रहती है, वाटर में रहती है, तो मछली को भी तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो मछली को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वाटर से, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस, और गैस किस में घुला हुआ है, लिक्विड में। वाटर क्या है, लिक्विड, तो हुआ ना लिक्विड में गैस का मिलना। These dissolved gases are used by aquatic plants and animals. ये सारे जो गैस होती है वो कौन यूज करता है, aquatic plants और animals, जो पानी के अंदर जो पौधे रहते हैं या फिर जो जानवर जो जीव पानी के अंदर रहते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं।
कौन करते हैं, बहुत सारा पेड़ पौधा होता है, सॉरी बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जो पानी के अंदर होता है। लोटस कहाँ पे होता है? पानी के अंदर। तो उसको ऑक्सीजन मिलता है पानी से, क्योंकि उसमें वाटर डिजॉल्व होता है। एनिमल्स मतलब फिश, फिश को भी किससे मिलता है ऑक्सीजन? वाटर से। ओके, लेट्स रिवाइज द चैप्टर। अब चैप्टर में जो भी पढ़े थे उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैटर इज ऑल अराउंड अस। मैटर हमारे चारों तरफ, हम लोग के चारों तरफ पाया जाता है। इट इज स्टफ वी टच एंड सी। इसको हम टच या मतलब छू के या ऐसे भी अपने आँखों से देख सकते हैं। मेटेरियल सॉरी मैटर इज डिफाइंड एज एनी थिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। मैटर को कैसे हम डिफाइन करेंगे? वे सारी चीज़ें जिसमें कुछ मास होता है, मीन्स कुछ वजन होता है, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जो कुछ जगह को लेता है। जैसे पेन यहाँ पे जगह को ले रहा है, तो ये क्या है? मैटर। नेक्स्ट है, सॉलिड आर सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू इच अदर। सॉलिड एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, जिसमें उसका पार्टिकल बहुत ही एक दूसरे के क्लोज क्लोज होता है। ये पार्टिकल बहुत एक दूसरे के क्लोज होता है, बहुत नज़दीक होता है। लिक्विड आर सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। लेकिन लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो थोड़ा थोड़ा दूर पे होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, गैसेस आर सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। लेकिन गैस में तो पार्टिकल जो उनका कण होता है वो तो बहुत बहुत दूर पे होता है। मटेरियल्स कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। मटेरियल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चेंज कैसे करेंगे? बाय हीटिंग और कूलिंग, या तो हीट करके नहीं तो उसको क्या, ठंडे करके। तो ये रहा चैप्टर मैटर एंड इट्स स्टेट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इनका क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने को मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।